हेलो फ्रेंड, आई एम डॉक्टर हर्षद रावल एमडी होम्योपैथ्स और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। मित्र, हमने पार्ट वन में जो व्यक्ति को पैर में जलन होता है, पैर में पेन होता है, या पैर में जो बर्निंग सेंसेशन होता है या नमनेस होता है, तो इसके बारे में उसका क्या कारण है, क्या सिम्टम है, उसको बताया है। आज का वीडियो में हम इसका क्या कॉम्प्लिकेशंस होता है और इसकी क्या होम मेडिसिन है और इसके साथ कौन से होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं तो आपको इससे अच्छा हो सकता है और कई बार तो दर्दी को इस रोग से मिट भी जाता है और अच्छा भी हो जाता है। तो सबसे पहले इसका क्या कॉम्प्लिकेशन होता है, जो लोग बड़ी उम्र के होते हैं और उसको जब से नमनेस होता है या पैर में जलन होता है तो ये जब बाथरूम में जाते हैं तो वो स्लिप होने का शक्यता ज़्यादा रहती है, दर्दी स्लिप हो जाता है और स्लिप होने के कारण उसको मल्टीपल फ्रैक्चर होता है और मल्टीपल फ्रैक्चर के कारण उनको जो पोस्ट लाइफ है उसको स्टेबिलिटी नहीं रहती है और सारी लाइफ उनको बेड में गुजारना पड़ता है। क्योंकि ऐसे जो दर्दी होते हैं तो उनके यंग एज में बहुत चैलेंजेबल वर्क किया है, पर जब ओल्ड उम्र में मल्टीपल फ्रैक्चर होता है तो उनको लगता है कि अभी मेरे लिए जीना भी मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे जो ओल्ड उम्र के व्यक्ति होता है और उसको पैर में न्यूरोपैथी या पैर में जलन हो या पैर में नमनेस हो, पेन हो, तो इसमें आप जो होम्योपैथिक मेडिसिन करते हैं तो ये दर्दी ठीक हो सकता है। कई बार यूरिक एसिड ज़्यादा होने के कारण भी पैर में जो छोटे छोटे अंगों में तनाव या बदलाव आता है और खिंचाव आता है, जलन होता है, तो उनको यूरिक एसिड को कंट्रोल करना चाहिए। तो यूरिक एसिड को जो कंट्रोल करने के लिए आप जो हमारी दालें हैं, पल्सिस है और जो हम पर्टिकुलरली मिल्क फूड खाते हैं उसको अवॉइड करना चाहिए और इसके जरिए आप फ्रूट ज़्यादा लीजिए, लीफी वेजिटेबल ज़्यादा लीजिए, सनलाइट में बैठिए, थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, वॉक कीजिए, तो इसे भी आपका हद तक ठीक हो सकता है पेन और जलन। ज़्यादा पेन और जलन होने से दर्दी को चलने में मुश्किल हो जाती है, थोड़ा भी चलते हैं तो हार्ट में भी सांस चढ़ता है, श्वास लेने में भी तकलीफ होता है, तो ऐसे दर्दी को आप थोड़ा वेट लॉस करने को बोलिए, फैट फूड कम खाइए और थोड़ा योग कीजिए, स्ट्रेच एक्सरसाइज कीजिए, तो धीरे धीरे दर्दी को स्टेबिलिटी हो सकती है। मित्रों, इसमें क्या होम मेडिसिन कर सकते हैं, पहले तो आपका जो भी जिनको भी नमनेस होता है, जलन होता है, ये हमारे ओल्ड एक प्रणाली में हम तांबे का वासन लेते हैं और घी में डाल के आप पैर में 10-15 मिनट मालिश करो तो पैर के जो फूट के जो मसल्स होते हैं इसमें गर्माहट पैदा होती है और ये तांबा के साथ जो गाय का घी होता है तो इसमें एक ऑक्सीजन लेवल बढ़ाता है, तो दर्दी को जो फूट मसल वीक पड़ गए तो उसको सर्कुलेशन फास्ट मिलता है, न्यूट्रिशनल मिलता है। आप वीडियो में भी देख सकते हैं जैसे ऐसे तरह आप मसाज कर सकते हैं। सेकंड थिंग, आप पैर में भी फूट मसाज कर सकते हैं 10-15 मिनट रख के। तीसरा कारण, आप कोई सॉल्ट वाली बैग लेके भी गर्म करके फूट के पैर में आप लगा सकते हैं। जो सॉल्ट का दो प्रकार के उपयोग लेते हैं हम, शरीर में जो सॉल्ट खाते हैं तो इसकी साइड इफेक्ट ज़्यादा होती है, कई बार हार्ट और लीवर और किडनी में वीक होने की संभावना रहती है, पर उसका बाह्य उपचार आप करते हैं जैसे गर्म पानी में सॉल्ट डाल के 10-15 मिनट पैर रखते हैं तो जो हमारी आर्टरी वेन जो सिकुड़ गई है उसको एक्सपांड करता है, तो ब्लड सर्कुलेशन फ्लो बढ़ाता है, तो पैर की मोबिलिटी भी बढ़ता है और जिन लोगों को चलने में मुश्किल है तो ये भी सब कुछ कर सकते हैं। जिन लोगों को कैल्शियम की कमी है ये मेथी का उपयोग कर सकते हैं, लीफी वेजिटेबल का उपयोग कर सकते हैं, विटामिन डी की खामी होता है तो सनलाइट में बैठ सकते हैं, थोड़ा वेट लॉस कर सकते हैं, तो धीरे धीरे ये करने से 50-60% तो आप खुद ठीक हो सकते हैं। और छोटी छोटी तकलीफ में आप जो मेडिसिन लेते हैं तो मेडिसिन तो अच्छा तो करेगा पर इसकी कई जगह साइड इफेक्ट भी है, क्योंकि केमिकल होते हैं, तो ये भी ध्यान रखिए। और खुराक में वात युक्त जो खुराक होता है वायु उत्पन्न करता है, ऐसे खुराक कम खाइए जैसे सीरियल्स है, ज़्यादातर दूध की जो प्रोडक्ट होती है, वासी खुराक होते हैं, डब्बे में जो फूड होता है ये अवॉइड कीजिए।
रेगुलर योगा कीजिए या आप मेडिटेशन कीजिए, स्विमिंग कीजिए। जिन लोगों को फुट में तकलीफ है तो स्विमिंग इज़ अ बेस एक्सरसाइज, क्योंकि स्विमिंग में कहाँ भी मसल्स जॉइंट में तकलीफ नहीं होती है और ब्लड सर्कुलेशन अच्छा सप्लाई करता है। तो दर्दी को लोअर लिम में जो आप एक्सरसाइज करते हैं स्विमिंग इज़ अ ग्रेट थिंग। तो ये लोगों को स्विमिंग जो आता है तो वो स्विमिंग कर सकते हैं। इसमें होम्योपैथी की जो 5 मेडिसिन है ये आप जो लेते हैं तो ये जो नमनेस और जलन फिट हो सकता है। तो सबसे पहले सिमी सिफुका नाम की जो दवा है, इसमें दर्दी को जब चलते हैं तो दर्दी इम्बेलेंस हो जाता है, दर्दी को नमनेस होता है और कई बार उनको लगता है कि कोई नीडल लाइक पेन होता है, कोई अंदर सोई भुगता है ऐसा पेन होता है। थोड़ा भी चलता है तो सांस चढ़ते जाता है, क्योंकि उसका जो काप मसल भी फुट के मसल के साथ रिदम नहीं कर पाता है। और दर्दी को जलन के साथ चूई फोंकता है तो वो दर्दी बैठ जाता है, क्योंकि दर्दी को खड़ा भी नहीं हो सकता है और जलन भी हो सकता है। दर्दी को थापे में पेन होता है, चलने में भी सांस चढ़ता है, कई बार तो सारा फुट में नमनेस आ जाती है, स्वेलिंग आ जाता है और एंकल में भी पेन होता है, नी में भी पेन होता है और ओल्ड उम्र के लोगों को यही प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है। तो ये लोगों में आप सिमी सिफुका का उपयोग कर सकते हैं। सेकेंड थिंग कोनाम जो दवा है उसको जेरियाटिक डिजीज बोलता है। जेरियाटिक्स एंड पेडियाटिक डिजीज, पेडियाट्रिक डिजीज अलग है। जेरियाटिक्स मीन्स ओल्ड उम्र के लोगों को में जो तकलीफ होती है उसको जेरियाटिक डिजीज बोलते हैं, और पेडियाट्रिक डिजीज में बच्चों के जो एक्सपर्ट डॉक्टर होते हैं उसको पेडियाट्रिशियन बोलते हैं, पेडियाट्रिक डॉक्टर। तो जेरियाटिक डिजीज में कोनाम मेडिसिन जो हमारे ओल्ड उम्र में जो नर्व्स कॉम्प्रेस होती है, नर्व्स वीक पड़ गई है, विटामिन डेफिशिएंसी के कारण जो फुट में नमनेस या जलन या पेन होता है, या आर्टेरियल पेरिफेरल डिजीज हो या टनल कार्पल सिंड्रोम हो या कई बार प्लांटर फेशियलिक हो, जिनको डायबिटीज न्यूरोपैथी हो, इसमें भी एक कोनाम दवा बहुत उपयोगी है। तो आप कोनाम दवा 3 से 6 महीना जो आप दवा लेते हैं तो आपका जो फुट में चलन पेन एक कम हो सकता है। थर्ड नंबर की दवा है रस्टॉक्स। रस्टॉक्स इज़ अ ग्रेट मेडिसिन मसल्स नर्व में। कई बार कोई कॉम्प्रेशन आया हो, कोई साइटिका के कारण पेन होता है वो और नमनेस हो जाती है, पैर सारा कमर से दर्द लेके फुट तक पेन करता है, तो इसमें आप रस्टॉक का उपयोग कर सकते हैं। और रस्टॉक की मोडालिटी ऐसा है कि ज़्यादा रेनी सीजन में या ठंड की ऋतु में या कोई एसी की हवा होती है तो दर्द बढ़ता है। ऐसे दर्दी को जो कंप्लेन करे तो आप रस्टॉक्स दवा का उपयोग कर सकते हैं। फोर्थ नंबर की दवा है बेराटाकार्ब। बेराटाकार्ब जिन लोगों को हैवी वेट होता है और उसका नी में भी प्रॉब्लम्स होता है, काप मसल वीक पड़ गया हो, इसके जरिए उनको फुट में जलन, बर्निंग पेन या पेन प्लांटर फेशियलिट, जो फुट के मसल्स होते हैं वीक पड़ जाते हैं, कई बार पैर में जो कोई स्किन डिजीज हुआ हो तो इससे जरिए भी जो दर्दी को पैर में जलन और स्टिफनेस लगता है तो बेराटामूर इज़ अ ग्रेट मेडिसिन। 30 में आपको उपयोग करना चाहिए, लंबे टाइम तक दर्दी को ठीक हो सकता है। फिफ्थ नंबर की दवा है कैल्केरिया फ्लोर। तो जो कैल्केरिया फ्लोर है, कई बार हमारा जो टार्सल बोन है, जो एड़ी का बोन्स में कुछ हड्डी बढ़ती है, तो इसमें दवा एक बहुत उपयोगी है। टार्सल बोन में हड्डी बढ़ने से दर्दी को चुभता है तो आयुर्वेदिक में उसको कंटकिया वा भी बोलते हैं। और ये धीरे धीरे जो आप दवा लेते हैं तो आपको ये जो बोन्स बड़ा हुआ है उसको रिस्टोर कर सकता है और फिर से आपका पैर स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी बना सकता है। मित्रों, मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में पैर में जो जलन होने वाली तकलीफ या पेन होने वाली तकलीफ या इसमें नमनेस खालीपन होने वाली जो तकलीफ है आपको हमने समझाया है। ऐसी तरह आप जो ट्रीटमेंट करते हैं तो इसमें से आप जरूर बाहर आ सकते हैं। मित्रों, मेरा वीडियो कैसे लगा? अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।